अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह शाइन होंगे। मैं लाई हूँ आपके साथ एक बहुत ही मज़े का हैक कि हम किस तरीके से बेहतरीन किस्म का बॉडी लोशन घर में तैयार कर सकते हैं जो कि हमारी स्किन को डलने से बचाएगा, डिहाइड्रेशन से बचाएगा और बहुत सारा ग्लो और मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। मेक श्योर आपने मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया अभी तक, जाएं जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें, फिर वापस आए मेरी वीडियो पे, फिर मेरे साथ बनाएं। आप भी जल्दी से अपना लोशन पकड़ लें और ये सारी चीज़ें पकड़ लें। पहले तो मैं बात करूंगी कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ होंगे, जिसको यूज़ करते हुए मैं बेहतरीन किस्म का आपको लोशन तैयार करना सिखाऊंगी। सो टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। बेसिकली हमें चाहिए कोई भी एक मॉइस्चराइजर, फिर चाहिए हमें भाई रोज ऑयल, कोई भी ऑयल ले लें भाई, आप किसी भी कंपनी का रोज ऑयल। उसके बाद जी आप कोई भी सीरम ले लें। ये मेरे पास एक बेहतरीन किस्म का राइस वाटर सीरम है, मेरी वीडियो में मैंने बनाना सिखाया है, जाएं जाके मेरी वीडियो को देख के आएं कि किस तरीके से हम राइस वाटर सीरम से अपनी ब्यूटी को एनहांस कर सकते हैं, अपने डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स, रिंकल्स किस तरीके से आने से रोक सकते हैं और बेहतरीन किस्म की स्किन पा सकते हैं। तो ये है जी मेरा सीरम और ये है जी ग्लिसरीन। और भाई जो मेन इंग्रेडिएंट इसमें होंगे जो कि हमारी स्किन को बूस्ट अप करेंगे, डिहाइड्रेशन से बचाएंगे और वाइटनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, वो है जी एक विटामिन ई का कैप्सूल। ओके जी, ये डलेगा इसमें। देन जी डलेगा इसमें कोई भी वाइटनिंग कैप्सूल, कोई नहीं, वाइटनिंग कैप्सूल दो तरह की होती है, किस तरह की शेप होती है। ओके, ये मुझे हमेशा मैं भूल जाती हूँ कि हाथ कैसे रखना है भाई, कैसे रखना है, ये देखिए नजर आ रहा है, ऐसे नहीं नजर आ गया होगा, वाइट कैप्सूल, ठीक हो गया। इन सारे प्रोडक्ट से हम किस तरीके से अपना बेहतरीन किस्म का लोशन बनाएंगे जो कि आप इसको अपने बच्चों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। बस बच्चों पे इस्तेमाल करने के लिए आपने ये करना है कि आपने व्हाइटनिंग जो कैप्सूल है ना इसको छोड़ देना, अगर आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं भाई, बच्चों को इन चीज़ों से जरा बचा के रखते हैं। और अगर मतलब जो ऑफिस गोइंग है टीनएजर्स गर्ल्स हैं, लाइक 15 प्लस लड़कियां, इवन कि चले 12-13 साल की बच्चियां जो हैं, 12-13 ईयर्स में जो बच्चियां हैं वो भी इसको यूज कर सकती हैं, बट 10 साल से छोटे छोटे बच्चों के लिए अगर आपने इसको यूज करना है तो आपने व्हाइटनिंग कैप्सूल को स्किप कर देना है और बाकी चीजें यही रहेंगी। बेहतरीन है आपके बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी। सर्दियां हैं, बॉडी लोशन इंतहाई जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सिंपल कोई भी बॉडी लोशन इस्तेमाल करते हैं ना तो वो काम नहीं करते, मतलब आपने लगाया है आधे घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद फिर से ड्राइनेस हो गई है। बट अगर आप इसको यूज करेंगे तो मेक श्योर आपकी ड्राइनेस तो आएगी ही नहीं, इनफैक्ट आपको बहुत ही अच्छे किस्म का ये रिपेयरिंग का काम करेगा आपके लिए। सो अब हम लोशन बनाने की तरफ चलते हैं। मैं इस तरह का एक बॉक्स लूंगी, आपने जिस जितना भी लोशन बनाना है आप बना लें। ये जी मैंने यहाँ पे लिया है इस तरह का लोशन। ओके जी, इसमें मैं ऐड करूंगी ग्लिसरीन अंदाजे से ही मैं इसमें ऐड कर लूंगी। आप हाफ टीस्पून ले सकती हैं, मुझे पता चल जाएगा कि मैंने हाफ लिया है या कितना लिया है। जितना आपने लोशन बनाना है आप उस तरीके से बना लें, क्वांटिटी उस तरीके से आप इंक्रीज करते जाएं। अब जी मैं लूंगी रोज ऑयल, ये जी मैंने ले लिया रोज ऑयल। रोज ऑयल के बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेनिफिट्स हैं। ये जी मैंने ऐड कर लिया, रोज ऑयल के बाद हम कोई भी ऐड करेंगे इसमें अपना सीरम जो आपके पास पड़ा है भाई, आप ले लें, व्हाइटनिंग पड़ा है कोई भी पड़ा है। मेरे पास ये व्हाइटनिंग राइस सीरम है, मैं इसके इसमें ड्रॉप्स ऐड करूंगी, मैं आपके सामने करती हूँ। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बस, या आपने जो 7 से 8 कतरे जो हैं या 10 कतरे आपने अपने सीरम के इसमें ऐड कर लेने। ये बॉडी लोशन ही नहीं बल्कि एक वाइटनिंग बॉडी लोशन आपका बन रहा है जो कि आपको ब्यूटी को एनहांस करेगा, किसी क्रीम श्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने क्या करना है, इसी तरीके से एक वाइटनिंग कैप्सूल लेना है, ध्यान से कट करना है क्योंकि थोड़े हार्ड हो जाते हैं सर्दियों में। ये जी हमने इसमें कैप्सूल ऐड कर दिया,
अब हमें चाहिए जी कोई भी विटामिन ई का कैप्सूल, एक ये जो विटामिन ई का कैप्सूल है ये मैंने कट किया, और ये जी मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब हम इस सारे लोशन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग बहुत ही अच्छी हो, ये आपका बेबी पिंक कलर का लोशन जो है वो रेडी होगा। आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है ताकि सारे ऑयल्स जो विटामिन ई ऑयल है, रोज ऑयल है, आपका सीरम है जो कोई भी आपने व्हाइटनिंग सीरम इसमें ऐड किया है, व्हाइटनिंग कैप्सूल्स है और ग्लिसरीन है, सारी की सारी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख रहे होंगे ये पिंक कलर का मेरा लोशन रेडी हुआ है। एक तो बेहतरीन तरीके का इसको कलर आया है कि हर बंदे का दिल करता है उठा के भाई पिंक कलर, पिंक तो लड़कियों का वैसे भी फेवरेट होता है, पिंक कलर भाई ये रोज ऑयल डालने की वजह से ही आया है। इस तरीके का पिंक कलर का जो लोशन है वो मेरा रेडी हो गया है। ये आपकी आपको व्हाइटनिंग प्रोवाइड करेगा, आपकी स्किन को बूस्टअप करेगा, डिहाइड्रेशन, डलनेस आपकी, इवन कि आपकी पिगमेंटेशन वो भी आहिस्ता आहिस्ता ये लाइटनिंग प्रोवाइड करेगा, लाइट होते जाएंगे, बिकॉज इसमें विटामिन ई और रोज ऑयल ऐड है जो कि आपकी डलनेस को, आपकी एंटी रिंकल के तौर पे ये काम करेंगे, आपकी स्किन को फ्लॉलेस लुक देंगे। इवन आप इसको मेकअप से पहले भी इस मॉइस्चराइजर को अप्लाई करें तो आपकी बेस बहुत ही बेहतरीन किस्म की अप्लाई होगी। सो ये मैं आपको इसकी एप्लीकेशन अब दिखाती हूँ। ये जी इस तरीके का ये लोशन है, ये पिंक कलर का ये आपने लगाया, ये देखिए ये इस तरीके कलर, पिंक कलर का लोशन है, इस तरीके से आपने इस पे लगाया और आपने अपने बच्चों पे, बच्चों की बॉडी पे अप्लाई करें, अपनी बॉडी पे अप्लाई करें, बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये लोशन तैयार हो गया है। अगर आपने इस तरह नहीं करना, आपने इसको अलग से बना के नहीं रखना, तो जो आपके पास बॉडी लोशन है आप इसमें ही 3 से 4 कैप्सूल ऐड करें विटामिन ई के, 3 से 4 विटामिन के, और सीरम हाफ बॉटल आप इसमें ऐड कर दें, ठीक हो गया, या अगर हाफ नहीं तो 20 ड्रॉप्स आपने ऐड कर देने हैं। इसी तरीके से आपने इसमें ग्लिसरीन जो है वो 1 से 1.5 चम्मच ऐड कर देना है अगर आपके पास इस तरीके का लोशन, जो कि 300 ml है। अब आप देख लें आपका कितने ml का है, उस हिसाब से आप मेरी क्वांटिटी को बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो आप अपने लोशन को इसी में रेडी करके रख लें, जरूरी नहीं है कि आपने अलग से इसको बना के रखना है इस तरीके से, तो मैंने आपको दिखाने के लिए अलग से बना के रखा है। आपने इसी में ही, इसी लोशन में सारी चीजें ऐड करके शेक करके रख देना है, फिर सारी सर्दियां यानी कि जब तक आपका लोशन चलेगा आपको दोबारा से इसको अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अलग किसी व्हाइटनिंग क्रीम की जरूरत नहीं है। बेहतरीन किस्म का ये आपका लोशन रेडी है जो कि आपके बच्चों के लिए, आपकी स्किन के लिए, इवन आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिट है। अक्सर रैशेज हो जाते हैं, आपकी स्किन पे ऑयल चला जाता है, रात को जो बक्स होते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा खारिश होती है, ईचिंग होती है आपको बहुत ज्यादा। सो ये आपने इस तरीके से इसको यूज करना है, मेक श्योर वीक में एक दफा स्क्रबिंग जरूर करिया करें, वो आपकी डेड स्किन को रिमूव कर देती है और आपको मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, इस तरह की चीजें। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।